नाम है ग्लोरी। आज की स्टोरी आप लोगों को बताएंगे आर्यस अग्रवाल, मैथ क्लास 9, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2, डी क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। अब यहां हमसे कह रहा है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि x माइनस 2 से ही एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अभी तक क्या था कि हमें सिर्फ शो करना था कि एग्जैक्टली डिविजिबल है या फिर बताना था रिमाइंडर कितना आएगा, ये वो प्रूव करना था हर एक चीज। इसमें हमसे पूछा है कि आखिर हम ऐसा क्या ऐड करें कि जो आए हमारा वो x माइनस 2 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हम सारे क्वेश्चंस में करते थे बाय फैक्टर थ्योरम, तो हमें उसमें ये पता होता था कि रिमाइंडर क्या आएगा, भाई 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें सेम वही करना है, रिमाइंडर अपना निकालना है। देखिए मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि 5 में क्या ऐड कर दें कि वो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, रिमाइंडर बचा मेरे पास 1, यानी कि अगर मैं इस 1 को 5 में ऐड कर दूं तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 6 बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। जो रिमाइंडर होगा वही हमारे ऐसा नंबर होगा, फिर ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसको अगर हम इस अपने px में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, y x minus 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट px इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ये मेरा क्या है, px है। उसके बाद आता है gx जिसको मैंने लेट किया x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे तो बोला नहीं है विदाउट एक्चुअल डिवीजन या फिर ऐसे करो वैसे करो, हमारा जैसे मन करें हम कर सकते हैं। तो अगर हम डिवीजन से करेंगे तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, लेकिन हम ऐसे करके भी अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम, सबसे पहले जी एक्स इक्वल्स टू 0 रख के हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम जी एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आगे क्या होगा, देन आर एक्स पी ऑफ 2। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरा वही हो जाएगा, पी एक्स में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो आर एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ 2। अब आगे देखिए px मेरा कितना था, 2x की पावर 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंड देन x की जगह पर 2 आ जाएगा, पावर 4 माइनस 5 देन 2 उसका क्यूब प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है यानी कि 16, तो 16 2 जा 32, उसके बाद माइनस, अब 2 3 जा क्या हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब है तो 8, देन 8 फाइव जा 40, तो माइनस 40 आ जाएगा, देन 2 का स्क्वायर 4, सो 4 2 जा 8, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 5। अब आगे देखिए 32 और 8 क्या आ जाएगा, 40, देन 40 माइनस 40 माइनस 5, ये मेरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस 5 बचेगा, एंड ये जो माइनस 5 है यही हमारा क्या है, आंसर है, बिकॉज दिस इज आवर रिमाइंडर। और अगर मैं इस माइनस 5 को इसमें ऐड कर दूं तो वो x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में है, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहां हमसे कहा गया है कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो आंसर है वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। देखिए पहले वाले में ऐड वाला था, इसमें हमारा सब्ट्रैक्शन का है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए अगर मैं बोलूं कि जैसे 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो 2 से डिविजिबल हो जाए, तो देखिए 9 में से है ना, तो देखिए 2 4 8 1, अब जो रिमाइंडर है वो एक्स्ट्रा है। अगर ये रिमाइंडर जीरो रहता तो इसका मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता, और ये रिमाइंडर जीरो कब आएगा, जब यह 9 की जगह पर मेरा क्या आएगा, 9 की जगह पर 8 आएगा, एंड देन ये मेरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो अगर कुछ भी रिमाइंडर आता है इसका मतलब जो डिवाइडेंड है उसमें वो चीज क्या है, एक्स्ट्रा है,
तो मतलब यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें सिंपल से अपना निकालना है रिमाइंडर। ठीक, यहाँ हमसे क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब इसमें देखिए जो हमें मतलब जी एक्स दिया है ना, वो तीन टर्म में जिसमें दो दो एक्स है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, पहला डिविजन मेथड से और दूसरा जैसे हम करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें लीनियर एक्सप्रेशन लेट करनी पड़ेगी। तो पहले हम डिविजन मेथड से कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एंड देन उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब इससे डिवाइड करेंगे इसको, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर देन प्लस 4x उसके बाद प्लस 6, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यहां पर देखिए x स्क्वायर है, इधर x की पावर 4 है, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर का किसमें करना है, 2x में भी करना है, मेरे पास आ जाएगा प्लस 2x क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर का माइनस 3 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x, साइन चेंज होगा तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस एंड इधर माइनस, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा। अब माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 3x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, देखिए मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मतलब हमारे पास एक x स्क्वायर बचेगा, वन लिखना जरूरी तो है नहीं, तो हम x स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद इधर देखिए थ्री टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ में ही उतार लेंगे, केवल 4x को नहीं उतारना है। ठीक है, तो अब इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। ठीक है, 1 से करेंगे तो हमें वही एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एंड देन इधर प्लस 2x मिल जाएगा, एंड इधर माइनस 3 मिल जाएगा। अब देखिए इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, इधर भी माइनस, ये कट जाएगा, 4x में से 2x जाएगा, हमारा बचेगा 2x, एंड प्लस 6 है और प्लस 3 है, तो 6 प्लस 3 9, यानी कि 2x प्लस 9 आ जाएगा। अब यही हमारा क्या है, यही हमारा है रिमाइंडर। तो जो हमारा रिमाइंडर है वही क्या होता है, वही हमारे डिवाइडेड में एक्स्ट्रा होता है, मतलब ये चीज बच गई, अगर ये नहीं रहता तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। यानी कि हम लिखेंगे 2x plus 9 must be subtracted from given polynomial। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 26, जिसमें है यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ x के पावर n प्लस a टू द पावर n फॉर एंड और पॉजिटिव इंटीजर n। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि x प्लस a जो है वो x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का क्या है, फैक्टर है, और यहाँ पर फॉर एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, इसमें जो n है वो क्या है, वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ कि यानी कि वो माइनस में नहीं है, प्लस में ही है, लेकिन ऑड नंबर है, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अगर नेगेटिव ऑड की बात करें तो क्या हो जाएगा, -3 -5 -7। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, जिसमें n जो है हमारा वो क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 3 है, अगर इसकी जो पावर है अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है 3 है, तो क्या आएगा आंसर, आंसर भी मेरा पॉजिटिव आएगा, यानी कि 9 आएगा। अगर यहाँ पर देखिए अगर मेरा जैसे -3 है उसकी पावर 3 है तो आंसर भी मेरा -9 आएगा, यानी कि अगर ऑड नंबर में कभी पावर होगी और अगर कोई माइनस का नंबर है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आना है। ठीक है, प्लस का है तो प्लस में आएगा ही, चाहे जो पावर है, लेकिन अगर यहाँ पर मेरा माइनस में है तो जो भी पावर है अगर वो ऑड में है तो आंसर भी मेरा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या कहा गया है, इसमें ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसमें इतना है कि n जो है वो क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और x प्लस a उसका फैक्टर है, बस यही हमें दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं हम, अगर हम ये दिखा दें कि रिमाइंडर 0 है तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, उसका फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, हमने x प्लस a को क्या लेट करा, अपना gx लेट करा। उसके बाद क्या है,
अगर हम यहाँ पर यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिख करके सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, देन जो मेरा px है उसमें पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे px भी एड करना पड़ेगा, px जो कि कितना है, x की पावर n है प्लस a की पावर n है। ठीक, तो अगर मेरे पास x प्लस a इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a आ गई। अब यही x की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस a इक्वल टू जीरो, वो मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां पर देखिए मेरा px क्या है, x की पावर n, तो x मेरा माइनस a है तो माइनस a की पावर n आ जाएगा, देन प्लस a की पावर n आ जाएगा। अब यहां पर माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n। अब अगर हम इसमें देखें तो n क्या है मेरा, n इसमें और इधर प्लस a n है, इधर माइनस a है, तो ये दोनों कट जाएगा, मेरा इधर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जब जीरो आया है तो हम ये लिख सकते हैं सिंस आर एक्स इज इक्वल टू जीरो therefore मेरा क्या हो जाएगा, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्योंकि आर एक्स मेरा जीरो है, इस वजह से जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। अब यहां पर देखिए इसका मतलब ये था कि अगर जैसे हमारे पास अगर ये पॉजिटिव है और इसका अगर पावर जो है अगर वो नेगेटिव में है तो आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अंदर वाला अगर पॉजिटिव है, अंदर वाला पॉजिटिव है तो, लेकिन अगर अंदर वाला नेगेटिव है और जो मेरी पावर है वो ऑड नंबर में है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज है कि n मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि प्लस का ऑड नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि प्लस का ऑड नंबर होगा, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7। ठीक है, नेगेटिव अगर ऑड नेगेटिव बोले तो वो माइनस 3 माइनस 5 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।